नमस्कार। कांग्रेस में मोदी के नाम का कितना बड़ा खौफ है ये आप और हम सभी जानते हैं। खासकर राजस्थान में 2013 के विधानसभा चुनाव में मोदी के नाम की इतनी जबरदस्त आंधी चली थी कि कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठने के लायक भी सीटें नहीं मिली थी। महज 21 विधायकों और 0 सांसद पर सिमटने वाली कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की सत्ता की गद्दी पर बैठाने के लिए 100 सीटों तक पहुंचाने वाले युवा कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को अब कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने बड़ा तोहफा देने का मन बना लिया है। जी हां दोस्तों, सोनिया गांधी द्वारा अब सचिन पायलट को राजस्थान में किसी बड़े पद से नवाजा जा सकता है, इसके संकेत कांग्रेस आलाकमान की तरफ से दे दिए गए हैं। संकेत ही नहीं बल्कि पक्का सबूत दे दिया गया है कि अब राजस्थान में कोई बड़ा बदलाव सोनिया गांधी कर सकती है। AICC कमेटी के सदस्यों की जो लिस्ट जारी की गई, उस लिस्ट में सचिन पायलट का नाम नहीं होना ये इस बात का सबूत है कि राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में ही सचिन पायलट हैं, वो सक्रिय रहेंगे। और जिस तरह से जून जुलाई के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो सियासी ड्रामा हुआ था और गहलोत सरकार पर जो संकट के बादल मंडराने लग गए थे, उस दौरान कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने, जिनमें से 5 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे, इन सभी 23 नेताओं ने सोनिया गांधी के सामने एक लेटर बम फोड़ा था, जिसके बाद सोनिया गांधी के समझ में आ गया था कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी में कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी से गांधी परिवार का नाम अलग नहीं किया गया, तो कन्फर्म है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में मोदी के नाम का खौफ दिनों दिन बढ़ता जाएगा। इसको ध्यान में रख करके अब कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान में भी बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं और कहीं ना कहीं इसकी बनक अशोक गहलोत को भी लग गई है, जिसकी वजह से अशोक गहलोत पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। ये आप और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी का एक तरह से सत्ता में वापस लौटना, ये सचिन पायलट की ही मेहनत थी। सचिन पायलट जैसे कई कांग्रेस के युवा नेताओं ने जन जन से संपर्क करके कांग्रेस की सत्ता है वो राजस्थान में बनाई थी। लेकिन इसको लेकर के अशोक गहलोत ने तानाशाही जैसा रुख पायलट के साथ किया, जिससे पायलट के काफी नाराज हो गया। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में अब कई और मोड़ आ चुके हैं। अशोक गहलोत को कई बड़े कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाने की मांग भी की थी और उसके अब कहीं ना कहीं परिणाम निकलने शुरू हो चुके हैं कि AICC कमेटी के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों बड़े नेताओं का नाम नहीं आना ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत कर रहा है कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाया भी जा सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत गांधी परिवार के काफी नजदीकी हैं और पिछले कई सालों से 30-40 सालों से गांधी परिवार के एक तरह से दलाल बनकर के रहे हैं। गांधी परिवार और सोनिया गांधी के चमचे बनकर भी गहलोत रह चुके हैं। ऐसे में अब बड़े बदलाव की ओर एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस है वो जा रही है। इसके अलावा गुर्जर आरक्षण पर एक बार फिर से पायलट ने अशोक गहलोत को तगड़ा झटका दे डाला है। जी हां दोस्तों, गुर्जर आरक्षण पर एक बार फिर से पायलट अशोक गहलोत से पूरी तरह से भिड़ गए हैं। पायलट ने 2 सितंबर को CM अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिखी थी और इसे चिट्ठी नहीं बल्कि इसे भी एक लेटर बम का नाम दिया गया है। और इस चिट्ठी के अंदर 2018 की पुलिस और रीट भर्ती के साथ साथ अनेकों कई तरह की भर्तियां हुई थी। LDC 2013 की भी भर्ती थी और सहायक की भर्ती भी 2017 थी, उनमें गुर्जर यानी कि MBC कैटेगरी को 5% आरक्षण गहलोत सरकार की तरफ से नहीं दिया गया था, जबकि अशोक गहलोत सरकार द्वारा चुनाव घोषणा पत्र में गुर्जरों को और MBC को 5% आरक्षण देने की मांग की बात की थी। कुल मिलाकर के अब इन सब मुद्दों से सचिन पायलट और अशोक गहलोत में एक बार फिर से भिड़ंत होती हुई दिखाई पड़ रही है। MBC को 5% आरक्षण की मांग पर अब एक तरह से सचिन पायलट ने दोबारा गहलोत सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। 2 अक्टूबर को गहलोत सरकार पिछले 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है वो रखना चाह रही थी कि पिछले 2 साल में राजस्थान सरकार में किस तरह के काम हुए हैं, कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं। लेकिन इस पर अब सचिन पायलट ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन उससे पहले ही पायलट ने इस पर कई सवाल खड़े करके ये साबित कर दिया है कि अशोक गहलोत सरकार ने पिछले 2 साल के अंदर कोई काम नहीं किया है। चुनाव घोषणा पत्र का 1% काम भी अभी तक राजस्थान की सरकार ने नहीं किया है। मुश्किलें बढ़ती देख करके पायलट
से अब पूरी तरह से अशोक गहलोत चिढ़ चुके हैं। पायलट ने चिट्ठी वाला बम फोड़ करके अशोक गहलोत की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 2 अक्टूबर को जब गांधी जयंती पर सरकार द्वारा रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाना था, अब उसमें कई बड़े बदलाव करने होंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड के अंदर दर्ज किया गया है उस पर पायलट ने ही एक तरह से सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि वो काम पूरे नहीं हुए हैं। किसान कर्ज माफी, बेरोजगारों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर अब सचिन पायलट ने सवाल उठा दिए हैं। तो निश्चित है कि अशोक गहलोत सरकार के रिपोर्ट कार्ड में अब बड़े बदलाव गहलोत सरकार को करने होंगे। लेकिन इस पूरे मामले से अब अशोक गहलोत पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, या यूं कहें कि गहलोत के जो मंत्री हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन है कि गैरों पर कर्म और अपनों पर सितम, ये लाइनें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बिल्कुल स्टिक बैठती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से वसुंधरा का बंगला बचाने के लिए अशोक गहलोत ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, हाईकोर्ट की तरफ से जो मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस भेजा गया उसके बदले भी गहलोत सरकार ने हाईकोर्ट में वसुंधरा को उनका बंगला वापिस लौटाने की, या फिर वो बंगला खाली नहीं करवाने की एक तरह से प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब बीजेपी समर्थित नेताओं के संपर्क में भी अशोक गहलोत हैं। सिर्फ ये एक ही मामला नहीं है, बल्कि कई ऐसे मामले पिछले एक महीने में देखे गए हैं जिसमें बीजेपी समर्थित सभी जो मंत्री हैं पूर्व के, या फिर जो पूर्व के कांग्रेस बीजेपी के नेता रहे हैं, वो उनसे अब संपर्क बढ़ाना अशोक गहलोत ने शुरू कर दिया है। और एक तरफ वसुंधरा का बंगला बचाने के लिए गहलोत सरकार के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने राजस्थान हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला आवंटन के नियमों से अवगत करवाना शुरू कर दिया है। गहलोत ने महारानी का बंगला बचाने के लिए विधानसभा के संविधान में ही कई तरह के बदलाव कर डाले हैं, उस कानून को ही खत्म कर दिया है जो महारानी का सरकारी बंगला खाली करवा रहा था। यानी कि अब कहीं ना कहीं जो याचिकाकर्ता और हाईकोर्ट के बीच में जो रोड़ा बना हुआ था उस नियम को ही अशोक गहलोत सरकार ने खत्म कर दिया है। दरअसल 1 अगस्त 2020 को जब राजस्थान में सियासी ड्रामा चल रहा था, जब अशोक गहलोत को वसुंधरा और वसुंधरा गुट के विधायकों की जरूरत थी, उस दौरान अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा एक्ट 1956 की धारा 6 में उपधारा 6 भी जोड़ दी, जिसके तहत महारानी को सिविल लाइंस का जो बंगला है वो खाली नहीं करना पड़ेगा। सिविल लाइंस के अंदर बंगला नंबर 13 फिलहाल वसुंधरा राजे सिंधिया कब्जा किए हुए हैं और ये बंगला उनको खाली नहीं करना पड़ेगा। इस तरह का नियम अशोक गहलोत सरकार द्वारा बना दिया गया था। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठाने वाले सचिन पायलट कैंप को एक तगड़ा झटका मिला है। सचिन पायलट को सरकारी बंगला खाली करवाने का आदेश अशोक गहलोत की तरफ से सुना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पायलट कैंप को यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर के सोनिया गांधी भी कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ही जो फैसले सुना रही है उसी को ध्यान में रख करके अब अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को नीचा दिखाने के लिए और सचिन पायलट को गहलोत सरकार की सारी जिम्मेवारियों से मुक्त तो पहले ही कर दिया था, अब कहीं ना कहीं उनको अपने ही घर से बाहर निकालने की मुहिम गहलोत द्वारा शुरू कर दी गई है। सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा जो तीनों पायलट गुट के विधायक भी हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें गहलोत ने अब धक्का मार करके सरकारी बंगलों से बाहर निकालने का आदेश अपने जो कर्मचारी हैं उनको सुना दिया है। अगर इन तीनों ने सरकारी बंगला खाली नहीं किया तो इन तीनों से सरकार पेनल्टी के रूप में 10,000 रुपए रोजाना किराए के रूप में वसूल करेगी। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला सौंपने का काम अशोक गहलोत सरकार द्वारा किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो पायलट कैंप के जो विधायक हैं, पायलट कैंप के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे बंगला छीनने का काम भी अशोक गहलोत कर रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत की तरफ से जो कानून में बदलाव किया गया है उसके तहत सचिन पायलट और विश्वेंद्र सिंह ये दोनों इन सरकारी बंगलों में रह भी सकते हैं, क्योंकि जो 2 बार सांसद रह चुके हैं या 3 बार विधानसभा में विधायक रह चुके हैं या फिर पूर्व में राज्य मंत्री रह चुके हैं या कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं या पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं या
विधानसभा के वरिष्ठ विधायक हैं उनको इन बंगलों में रखा जा सकता है गहलोत के नए नियम के अनुसार। और इसको पायलट और विश्वेंद्र सिंह ये दोनों एक्सेप्ट भी कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों तीन तीन बार विधायक रह चुके हैं जबकि भंवर लाल सिर्फ दो बार ही विधायक रहे हैं। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि सचिन पायलट गुट और गहलोत गुट एक बार फिर से इन बंगलों को लेकर के आमने सामने हैं। लेकिन तीनों को मंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद ये सजा जो गहलोत की तरफ से दी गई है इसको विश्वेंद्र सिंह ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, अब पायलट कैंप के विधायक विश्वेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट कह दिया है कि नोटिस मिलते ही, अभी तक उनको नोटिस मिला नहीं है इस फैसले का, नोटिस मिलने के 12 घंटे के बाद ही हम ये बंगले सहित राजस्थान को ही खाली कर देंगे। यानी उनके कहने का संकेत स्पष्ट हो चुका है कि जैसे ही हमें बंगला खाली करने का नोटिस मिलेगा उसके जस्ट 12 घंटे में ही हम बंगला तो खाली करेंगे जबकि राजस्थान के गहलोत सरकार को भी मुक्त करवा देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अब इन शब्दों से लग रहा है कि विश्वेंद्र सिंह और पायलट गुट ने 35 से ज्यादा विधायकों की संख्या हासिल कर ली है और उसी का कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि गहलोत ने जैसे ही उनसे बंगला खाली करवाया वो अपने सभी विधायकों के साथ राजस्थान से बाहर चले जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं फिर से अशोक गहलोत सरकार पर संकट है वो मंडराएगा और इसी से अशोक गहलोत पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। कुल मिलाकर के अब बंगले को लेकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट आमने सामने हैं। पायलट के गृह जिले टोंक में गहलोत ने अपने चमचे रघु शर्मा को जिला प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है ताकि वो सचिन पायलट के हर कामकाज पर ध्यान रख सके, नजर रख सके। सचिन पायलट किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं, सचिन पायलट किस तरह से जो टोंक के अंदर है कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे किस तरह की बातें हो रही है, क्या अशोक गहलोत के खिलाफ पायलट की तरफ से बोला जा रहा है। यानी कि अब कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के अशोक गहलोत ने अपने सबसे करीबी चमचे और या यूं कहें कि राजस्थान की गहलोत सरकार के चोर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को टोंक का जिला प्रभारी बना दिया है जिसकी वजह से टोंक में पायलट समर्थकों ने रघु शर्मा का खूब विरोध किया है। इसका विरोध टोंक में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एक चोर को एक तरह से टोंक का जिला प्रभारी बनाना ये वहां के पायलट समर्थकों को कतई रास नहीं आया है। ऐसे में अब कई ऐसे बड़े मुद्दे जिनको लेकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत का आमना सामना हो रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि पायलट कैंप के सभी विधायकों ने 150 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जाने का प्रोग्राम भी तय कर लिया है। 150 विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करके अब पायलट कैंप जनता की सहानुभूति बटोरेगा। इसको लेकर के पूरी रूपरेखा है वो तैयार कर ली गई है और बताया जा रहा है कि कोरोना काल से निपटने के तुरंत बाद या फिर अगले माह तक सचिन पायलट कैंप जनता के बीच में पहुंच सकता है। और सचिन पायलट कैंप अब कहीं ना कहीं जनता की सहानुभूति बटोरने का काम कर रहा है और पहले से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो सियासी ड्रामा हुआ था उसके बाद राजस्थान कांग्रेस वो दो भागों में बंट चुकी है और उसके बाद अब नकली कांग्रेसी और असली कांग्रेसी में भी बंट चुकी है, युवा कांग्रेस और वर्द कांग्रेस में भी बंट चुकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से सचिन पायलट को AICC में जगह नहीं दी गई सोनिया गांधी की तरफ से उससे ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब सचिन पायलट को राजस्थान में रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी को परिवार से दूर करने की आवाज कांग्रेस में उठ रही है उसे पूरी करने के लिए अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर भी बैठाया जा सकता है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक बार फिर से आमने सामने हैं। सचिन पायलट कैंप ने कई तरह के सवाल गहलोत के रिपोर्ट कार्ड पर भी उठाए हैं जिसकी वजह से अशोक गहलोत अब समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड को कैसे जनता के बीच में पहुंचाया जाए, कैसे जनता के बीच में पेश किया जाए ताकि विरोध राजस्थान की जनता में पैदा ना हो। लेकिन ऐसे कोई काम ही नहीं है जो अशोक गहलोत पिछले 2 सालों में कर चुके हैं और उसे गुना चुके, क्योंकि एक ईंट भी राजस्थान की किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगी है, एक पैसे का खर्चा अभी तक नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के अभी तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चल रहे सियासी ड्रामे पर ही कांग्रेस ने काम किया है। इन दोनों नेताओं के बीच में जो खर्चा आया है उससे अपनी जेब भरने के लिए अशोक गहलोत ने राजस्थान में बिजली बिलों पर कई तरह के चार्ज लगा दिए हैं। 300 रुपए का बिल आने वाले का बिल आज 3,000 आ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि कई तरह के चार्ज लगा करके अशोक गहलोत ने किसानों से, राजस्थान की आम जनता से कुल मिलाकर के बिजली के जरिए अब खुद की जेब भरने का काम शुरू कर दिया, ये धंधा शुरू कर दिया है।
अब गहलोत की चोर सरकार ने एक तरह से सचिन पायलट को भी इन बंगलों से लात मारकर बाहर निकाल दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पायलट कैंप अब चुप नहीं बैठने वाला है। पायलट कैंप की तरफ से कोई बड़ा एक्शन इसको लेकर के लिया जा सकता है, जिसके संकेत विश्वेंद्र सिंह दे चुके हैं कि नोटिस मिलने के 12 घंटे के भीतर ही वो बंगला भी खाली कर देंगे और राजस्थान भी। कुल मिलाकर के राजस्थान से अशोक गहलोत की सरकार जाएगी और साथ ही सचिन पायलट कैंप अपने सभी 30 से 35 विधायकों के साथ फिर बगावत करेंगे, इस तरह के संकेत मिले हैं। लेकिन उससे पहले ही सोनिया गांधी हो सकता है कि राजस्थान की कांग्रेस राजनीति के लिए कोई बड़ा फैसला भी कर ले। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे के दौरान क्या सोनिया गांधी की तरफ से सीएम गद्दी पर सचिन पायलट को बैठाया जा सकता है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।